प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास का विषय है जन माध्यमों के लिए लेखन। प्यारे विद्यार्थियों, ये विषय सिर्फ आपके तीसरे प्रश्न पत्र का विषय ही नहीं, बल्कि पत्रकारिता एवं जनसंचार की नींव या आधार कह सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि बहुत अलग अलग तरीके के जन माध्यम होते हैं और उनके लिए कैसे लिखा जाता है, उनके लिए कितना लिखना चाहिए, उसकी क्या क्या बारीकियां होती हैं, इस पेपर में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो ये पेपर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। हमारा ये जो सिलेबस है चार विषयों में, चार भागों में बटा हुआ है जन माध्यमों के लिए लेखन। पहले भाग में, जो कि खंड एक कहलाता है, हम पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम के लिए लेखन। प्रिंट माध्यम क्या होता है आप सब जानते होंगे, समाचार पत्र, मैगजीन, या जो भी हम रिटन में लिखित रूप से लिखते हैं वो हमारे प्रिंट माध्यम कहलाते हैं, मुद्रित माध्यम कहलाते हैं। उनके लिए हम कैसे लिखें, इकाई एक में आप पढ़ सकेंगे समाचार लेखन के मूल तत्व, जिसमें आपको न्यूज़ लिखना, प्रिंट मीडिया के लिए कैसे न्यूज़ लिखना ये सिखाया जाएगा। इसके बाद आमुख या शीर्षक लेखन, आमुख को इंट्रो भी कहते हैं और शीर्षक को हेडलाइन। प्यारे बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थियों का फ़ोन आता है लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर। हमारा विश्वविद्यालय हिंदी को प्रोत्साहित करता है, साथ ही आप जो विद्यार्थी इंग्लिश के लिए वो बिल्कुल कतई ना घबराएं, उनको सुझाव के लिए हम बीच बीच में इंग्लिश के टिप्स वगैरह देते रहते हैं, पॉइंट्स या की वर्ड्स देते रहते हैं, जिससे उनके सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो आमुख को हम इंट्रो कहते हैं और शीर्षक लेखन को हेडलाइन कहते हैं। इसी की इकाई तीन में हम आपको फीचर लेखन के बारे में सिखाएंगे और बताएंगे। इसकी अगली इकाई में संपादकीय लेखन और संपादक के नाम पत्र के बारे में आपको बताया और पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ आपको एक बहुत बारीक सा अंतर मैं बताना चाहूँगी। अगर आप देखते हैं इसमें संपादकीय लेखन और संपादक के नाम पत्र, तो आपको दोनों में संपादक दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। संपादकीय जो है वो किसी भी समाचार पत्र का संपादक लिखता है और किसी प्रमुख घटना या विषय के बारे में जो उसके विचार होते हैं वो लिखते हैं। वहीं संपादक के नाम पत्र एक आम जनमानस या आप जैसे विद्यार्थी लिखते हैं, जो कि अपने विचार, भाव या जिसका मीडिया में कोई दखल भी नहीं है, वो अपनी बात को समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका सबसे सरल माध्यम होता है आपके लिए संपादक के नाम पत्र। इन सारे विषयों के बारे में विस्तार से और गंभीरता पूर्वक मैं आगे की क्लास में पढ़ाती रहूंगी, लेकिन आज के पेपर का जो मूल सार है, आज की क्लास का जो मूल सार है, कि मैं आपको जन माध्यम लेखन की सभी बारीकियों से परिचित करा सकूं और आपको एक इस इंट्रोडक्टरी क्लास में ही ये बता सकूं कि आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे भी किसी विषय के बारे में सोच सकते हैं और कैसे अपने प्रश्न पत्र में इनके जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब दे सकते हैं। इसके आगे की इकाइयों में आपको खंड जो दो है उसमें स्वतंत्र पत्रकारिता और पत्रकारिता के लिए लेखन की बात की जाती है, जिसमें स्तंभ लेखन, जिसे हम कॉलम राइटिंग कहते हैं, आपने कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह ऐसे बहुत सारे कॉलम राइटर्स के आर्टिकल्स हमेशा पढ़े होंगे, देखे होंगे, वो कैसे लिखते हैं, उनमें क्या उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उस सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। स्वतंत्र लेखन का मतलब होता है कि हम किसी प्रेस से या मीडिया से नहीं जुड़े हैं, किसी मीडिया हाउस से नहीं जुड़े, हमारे जो भी विचार आ रहे हैं हम फ्रीलांस में लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने बचपन से ही लिखना शुरू किया था, तो मैं किसी भी समाचार पत्र या मैगजीन से नहीं जुड़ी थी, कभी दैनिक जागरण, कभी अमर उजाला, कभी किसी मैगजीन या कभी कहीं पे भी। तो आप भी जब स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, किसी एक संस्था से संबद्ध ना होते हुए अपनी कलम को स्वतंत्र रखते हैं और जगह जगह लेख लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, पोयम, कविताएँ और क्रिएटिविटी करते हैं, तो वो स्वतंत्र लेखन कहलाती है। फीचर समितियाँ, पत्रिकाओं में फीचर का प्रस्तुतिकरण और पत्रिका लेखन की भाषा शैली के बारे में भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसी पेपर की अगले यूनिट में हम रेडियो लेखन के लिए क्या खास बात है, क्योंकि ये पूरा पेपर आपको जन माध्यम के लिए लेखन है, तो पहले खंड में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रिंट के लेखन बारीकियों से काम करते हैं, दूसरे खंड में हम आपको बताएंगे कि फ्रीलांस में या जो आर्टिकल्स वगैरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में कैसे लिखते हैं, तीसरे में आपको स्पेशली रूप से रेडियो लेखन के बारे में बताया और पढ़ाया जाएगा।
अगर आपको रेडियो की इंट्रोडक्टरी क्लास लेनी हो तो मैंने कुछ समय पूर्व, कुछ सालों पूर्व एक क्लास अपलोड की थी रेडियो से जुड़ी हुई, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे आपका पूर्व ज्ञान काफ़ी विकसित हो जाएगा। इसके बाद आपकी समझ और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हम आगे रेडियो की क्लासेस लेते रहेंगे, जिसमें हम रेडियो के समाचार कैसे संकलन किए जाते हैं, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उनकी एडिटिंग होती है, रेडियो के समाचार में एंकरिंग का क्या महत्व है, कैसे उसका वाचन किया जाता है, इन सब की बारीकियों के बारे में आपको बताया जाएगा। रेडियो के अलग कार्यक्रम किस तरीके से होते हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा इसी पेपर में। फिर आपके जो अलग अलग तरह के रेडियो के प्रसारण होते हैं उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आपका जो चौथा इकाई का जो खंड है उसके सभी इकाइयों में, जो चौथा आपका जो खंड है उसमें सभी इकाइयों में आपको टेलीविज़न और फिल्म के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे हम उसके स्क्रिप्ट को लिखें, क्या उसकी बारीकियां होती हैं, टेलीविज़न चैनल्स और नेटवर्क के प्रसारण क्या होते हैं, टेलीविज़न प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, फोटो पत्रकारिता क्या होती है और भारतीय फिल्म पत्रकारिता क्या होती है। बच्चों, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दी सिलेबस के बारे में कि जो आपका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का सिलेबस है उसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और किन किन चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आपके सामने एक प्रमुख चुनौती ये आती है कि जनमाध्यम के लिए लेखन देखने में जितना सरल और छोटा सिलेबस है उतना ही विस्तृत और विस्तार से है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो पहले तो आपको इसमें 5-6 चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसीलिए मुझे इसकी एक अलग से इंट्रोडक्टरी क्लास आपको देनी पड़ी, क्योंकि आपको जिसे कहते हैं सागर से मोती चुनना है, आप सागर में जितना डूबेंगे उतनी मोतियां पाएंगे, तो जनमाध्यम लेखन आपके लिए वैसा ही है। आपको उसमें 3 अंतर को समझना पड़ेगा। पहले तो इस अंतर को समझना पड़ेगा कि डिफरेंट मीडिया के लेखन में क्या क्या अंतर होते हैं और डिफरेंट तरीके से लिखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और दूसरे उसमें जाते हुए आपको इसकी और गहराई में जब आप उतरेंगे तो आपको जितनी विधाएं हैं, जितने भी टाइप्स हैं राइटिंग के, न्यूज़ राइटिंग, एंटरटेनमेंट के लिए राइटिंग, फिल्म राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या किसी धारावाहिक की राइटिंग, तो सब लेखन के पार्ट हो जाएंगे। और जब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये पेपर आपके लिए सिर्फ परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये पेपर आपके लिए जीवन के लिए उपयोगी है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको विस्तार से बाल साहित्य के बारे में बताया था, तो आप कह सकते हैं कि बाल साहित्य तो एग्जैक्टली कहीं टॉपिक में हमको दिख नहीं रहा, लेकिन जब हम लेखन की बात करते हैं तो कभी कभी हम वो लेखन आयु वर्ग के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और माध्यम के हिसाब से, लेखन एक ऐसा प्याज है कि जिसकी जितनी परतें खोलेंगे उतनी नई परतें निकलती जाएंगी आपके लिए, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पे आज के इसमें मैं कुछ आपको सैंपल्स भी बताऊंगी, फिर आपके जो समस्याएं आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगी उन समस्याओं के समाधान देने की। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि संपादक के नाम पत्र और संपादकीय में अंतर होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब भी हम प्रिंट मीडिया के लिए लिखते हैं तो आप उसमें संपादक के नाम, कुछ जो पुराने पत्र मैंने संपादक के नाम लिखे हुए तो उसके मैंने सैंपल्स लगाए हुए हैं कि बम विस्फोट में घायल रितेश ने नेत्रदान किया या सीमा पार संबंधों में मीडिया की भूमिका, ऐसे करके कुछ संपादक के नाम मैंने पत्र लिखे थे बहुत पहले जो प्रकाशित भी हुए थे। तो उन सारों के उदाहरण के साथ मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे संपादक के नाम पत्र को हम लिखते हैं। फिर आप कुछ आर्टिकल्स या फीचर जो लिखते हैं उसमें आप किसी भी विषय को ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत पहले जो लिखा था दिवाली के ऊपर, तो आप कोई भी विषय ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि फीचर सिर्फ किसी तीज त्यौहार के ऊपर लिखा जा सकता है, किसी भी विषय के ऊपर फीचर लिखा जा सकता है और फीचर की कई सारी बारीकियाँ होती हैं, उस विषय से संबंधित होना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, उसमें लेख की गंभीरता होनी चाहिए। फिर एक कहानी की विधाएं भी आती हैं, जब हम कहानी की बात करते हैं जनमाध्यमों में लिखने के लिए कहानी, तो कहानी एक ऐसी विधा है जो कोई भी माध्यम हो, अगर रेडियो है तो आपको लीलेश मिश्रा का नाम याद होगा, अगर टेलीविज़न है तो आपको सारे धारावाहिक याद होंगे, अगर ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो स्टोरी टेलर में आपको दिव्य प्रकाश दुबे जी का नाम याद होगा, तो प्रिंट में आप हमेशा देखते हैं कहानियाँ छपती रहती हैं मैगजीन और समाचार पत्रों में, तो कहानी लिखने की भी कई बारीकियाँ होती हैं, हम समाज से घटनाओं को चुनते हैं, उनको लिखते हैं और उसे करते हैं। तो कहानी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, स्टोरी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो हमें इन सारी बारीकियों को देखना और समझना पड़ेगा। प्रिंट लेखन की ही जब हम बात करते हैं और आगे देखते हैं तो उसमें एक लेख होता है, आर्टिकल्स भी कहते हैं,
हम जब लेख लिखते हैं वो भी प्रिंट में जाए, कविताएं भी छपती हैं प्रिंट माध्यम में, कि जो हमारे मनोभाव होते हैं, कविताएं भी आपकी रेडियो में भी आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी आती हैं, लेकिन अभी हम जब बात प्रिंट के लेखन की कर रहे हैं तो उसमें हम कविताओं की बात करते हैं। संपादक के नाम के पत्र मैंने आपको उदाहरण दिखाया ही था, कुछ हास्य व्यंग या सटायर्स भी होते हैं, फिर आपके लेख भी कई सारे होते हैं जिसमें हम कई बार ऐसा होता है कि चर्चा करते हैं, प्रिंट माध्यमों में भी कई आर्टिकल्स ऐसे होते हैं। ये मैं आपको सैंपल्स के साथ दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आप समझ सकें कि जब हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कैसे हम छोटे छोटे ब्लॉग्स के करके उनके लिखते हैं। और ये जब ड्रेस को या महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर, तो उस पर एक लिखा था प्रिंट का आर्टिकल कि पहनावा नहीं सोच बदलनी होगी, आवाज़ नहीं आगाज चाहिए। तो ये आपको प्रिंट के लिए लेखन है। बेटी बचाओ पे भी एक डिस्कशन का ही उदाहरण है कि कैसे हम प्रिंट मीडिया में डिस्कशन करते हैं। निबंध लिखना आप सब जानते हैं, निबंध क्लासरूम में भी लिखे जाते हैं। कई जो प्रतियोगी प्रतियोगिताएँ होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें होती हैं, उसमें कॉम्पिटिशन के रूप में आप लिख के विद्यार्थियों आप अपने कुछ उसमें भागीदारी कर सकते हैं। तो जैसे ये कि वर्तमान विश्व में अहिंसा की प्रासंगिकता विषय पर निबंध लिखा था एक बार, दिवाली के ऊपर भी आर्टिकल और लेख लिखे। न्यूज़पेपर में भी जो कहानियां आती हैं ये उसका सैंपल है। फिर कविताओं के बारे में बात की और ये एक कहानी के बारे में बात की जो पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आज की क्लास में हम सबसे पहले जो भी मैंने आपको दिखाई प्रिंट की जितनी भी बारीकियां थी कि प्रिंट में हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, इनके मैंने कुछ आपको सैंपल्स दिखाए कि प्रिंट मीडिया में हम कहानी लिख सकते हैं, प्रिंट मीडिया में हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, प्रिंट मीडिया में हम फीचर लिख सकते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए हम कविताएं लिख सकते हैं, और परिचर्चा का भी एक कॉलम आता है प्रिंट मीडिया के लिए, हम वो भी लिख सकते हैं। प्रिंट मीडिया में ही संपादक के नाम पत्र और संपादकीय प्रकाशित होते हैं और प्रिंट मीडिया में ही इस तरीके के विचार आते हैं। आज मैं आपसे सिर्फ प्रिंट मीडिया के बारे में बात करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंट मीडिया में बहुत सारी विधाएं होती हैं, लेख, मैगजीन के लिए स्टोरीज या कहानी, फीचर, डिस्कशन या परिचर्चा, संपादक के नाम पत्र और संपादकीय, कविताएं भी लिख सकते हैं हम। एक महत्वपूर्ण विषय समाचार लेखन मैंने छोड़ा है जिसकी मैं अगली क्लास लूंगी और पूरे विस्तार से मैं बताऊंगी कि आपको समाचार लिखने में किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। आज के विषय में मैंने सिर्फ आपको जो क्रिएटिव फील्ड थी, जो हिंदी लेखन में प्रिंट माध्यम में प्रकाशित होने वाली रचनात्मक विधाएं थी, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा और विस्तार से करना चाहूँगी कि जब कहानियों की बात करते हैं, बहुत अच्छी कहानी होती है, न्यूज़पेपर में भी छपती हैं, हमारा मन को भी लुभाती हैं, और प्रिंट में, मैगजीन में हर जगह कहानियाँ आती हैं, तो ये पेपर के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि कहानियाँ क्या होती हैं या कहाँ छपती हैं, आपको कहानी कैसे लिखी जाती है ये प्रैक्टिस भी करनी होगी। क्योंकि अगर आपने कहानी लिखने में मास्टरी हासिल कर ली तो आप क्या पता अगले चेतन भगत या देव प्रकाश दुबे आप हों, क्या पता प्रेमचंद की तरह आपका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए, एक कहानीकार को पूरा विश्व जानता है। तो कहानी लिखने की जो विधाएं और बारीकियां होती हैं उन्हें आप समझने का प्रयास करिए, और इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि समाज में जो भी घट रहा है उन भावनाओं को आप समझिए, उन घटित चीज़ों और वस्तुओं को आप समझिए और फिर उसके अनुरूप लिखना शुरू करिए। कहानी लेखन में संवाद होते हैं, कलाकार होते हैं जिनके जरिए आप अपनी बात को रखते हैं, पात्र जिन्हें हम कहते हैं कहानियों में। संपादक के नाम और संपादकीय में मैंने आपको बताया है कि संपादक के नाम पत्र और संपादकीय में क्या अंतर होता है। फीचर और लेख, ये दोनों अलग विधाएं हैं। फीचर हम किसी सरल भाषा से, किसी रोचक रचनात्मक क्रियाविधि की एक प्रक्रिया है, और लेख जब हम गंभीर लेखन करते हैं, फैक्ट परक तथ्य परक लेखन करते हैं, तो उसे हम लेख कहते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना और समझना होगा, साथ ही आपको डिस्कशन या जो परिचर्चा की मैंने बात की अभी, यह प्रिंट मीडिया में आई बहुत ही नई विधा है। ये आपको कुछ बेसिक पत्रिकाओं में देखने को मिलेगी या कहीं कहीं न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल से आई विधा है जिसको प्रिंट ने अडॉप्ट किया है कि समाज में क्या घट रहा है, हम
जैसे टेलीविजन चैनल में आपने बाइट का नाम सुना होगा कि हम जाते हैं माइक लेके जगह जगह लोगों के विचार और ओपिनियन लेते हैं, फिर उसको समाहित करके एक पूरा न्यूज पैकेज तैयार करते हैं। वैसे ही प्रिंट ने एक नई विधा को तैयार किया है, डिस्कशन ऑन प्रिंट या परिचर्चा जिसे हम कहते हैं, जो रेडियो में भी आती रही है। इसको प्रिंट ने भी अडॉप्ट किया कि हम कई लोगों से उनके छोटे छोटे विचार पूछते हैं, उन विचारों को उन्हीं के बाई नेम लिखते हैं और उसका एक कंक्लूजन निकालते हुए हम उसका रिजल्ट या उसके परिणाम लिखते हैं। तो जन माध्यम के लिए लेखन में आज मैंने आपको प्रिंट मीडिया की बारीकियों के बारे में बताया। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि प्रिंट माध्यम में लेखन के लिए आपको जो सबसे प्रमुख आवश्यकता है वो है आपकी भाषा शैली, आपकी लेखन क्षमता और साथ ही आपके अंदर ये चीज़ कि आप अपने विचारों को किस तरह से लिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे मन में विचारों का एक समुद्र सा होता है, सागर से हिलोरे मारती हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो प्रिंट माध्यम में आपके पास पूरा समय होता है पर्याप्त, आपके पास तथ्य जुटाने का समय होता है, आपके पास फैक्ट लिखने का समय होता है, और इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो की तुलना में जो आपके पास समय की अधिकता होती है प्रिंट के लिए, क्योंकि मैगजीन तो महीने में एक बार निकलती है और न्यूज़पेपर 24 घंटे में एक बार आता है, तो आपके पास पूरा पर्याप्त समय होता है, प्लस आपका इसमें सीधा प्रसारण या लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, तो प्रिंट में सावधानी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सावधानियों से आप रूबरू हो सकते हैं, उन सावधानियों को अपना सकते हैं और आप अपने प्रिंट की लेखनी को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप लिखेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, आपको नहीं अच्छा लगा आप उसको फिर पढ़ के द्वारा लिख सकते हैं। ये कोई रेडियो या टेलीविजन जर्नलिज्म की तरह नहीं है कि आपने बोला और उसकी एडिटिंग के लिए आपको फिर समय कम मिल पाया, और लाइव में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। अगर आप एडिटिंग रूम में या एडिटेड कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको एक दो बार कुछ गलतियों की गुंजाइश है भी, लेकिन अगर आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं जन माध्यमों के लिए तो फिर आपके पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने आपको सबसे बारीक और सबसे पहली विधा जो कि प्रिंट माध्यम के लिए है और डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट से है, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और विस्तार से सिलेबस वाइज मैं आपको बताऊंगे, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का मैंने कुछ समय पहले बच्चों से पूछा था कि मैं किस बारे में अगली क्लास लूं, तो आप सबके तरफ से ये सुझाव आया कि हम जानते तो बहुत कुछ है लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमें पता तो सब कुछ है लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं, हम उसमें बारीक अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये अंतर आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत पढ़ेंगे। जब आप बहुत पढ़ेंगे तो आपको लिखने के लिए शब्द मिलेंगे। अभी जैसे मैंने आपसे कहा लेखन के लिए कुछ बुनियादी बातें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे शब्द भंडार। अगर आपके पास शब्द भंडार नहीं होगा तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको दूसरों को भी पढ़ना पड़ेगा, अपनी भावनाओं या विचारों को समाहित करना पड़ेगा और एक कंप्लीट पैकेज बनाना होगा सोसाइटी के लिए, तभी आप प्रिंट मीडिया के लिए लिख पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो आप खूब पढ़िए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको कहीं कोई बात ना समझ में आई हो, कुछ जटिलता, मैंने इस क्लास को बहुत सरल बनाया है क्योंकि बच्चों के मेरे पास दो सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। एक तो मैम सिलेबस बता दीजिए, वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है सिलेबस, लेकिन आप शायद उसको उतनी सरलता से समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें बहुत सारी गागर में सागर की तरह बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो सिलेबस के होते हुए भी आपको लगता है अरे ये सिलेबस से इतर है, क्योंकि लेखन में कुछ भी इतर नहीं है। जो भी प्रिंट में छप गया वो आपका विषय है। पत्रकारिता में जो भी आ गया, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो समसामयिक विषय चल रहे हैं, वो सब आपके विषय हैं, तो उसको आप बदल नहीं सकते, उन विषयों पे आपको काम करना ही करना होगा। तो इसलिए इस पेपर को आपको दो तरह से पढ़ना है, एक तो आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है अपनी लेखनी को मजबूत करने के लिए। इस आपके प्रयास में मेरा पूरा साथ और सहयोग रहेगा आपके लिए। अगर आपको कहीं भी कुछ लिखने या पढ़ने में दिक्कत आती है तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कभी भी 10 से 5 के बीच में आकर प्रयागराज के मुख्य परिसर में आप मुझसे मिल सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान ले सकते हैं। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आपके लेखन के लिए शुभकामनाएं। आगे लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।